Hello everyone, my name is Sandeep Pawar. I'm a founder and trainer at Youth India 10X. I'm on a mission to empower 100,000 students to create their self-sufficient lifestyle during their academic years. And today I'm here to tell you some of my views about new education policy. 34 saal baad India mein new education policy aayi hai. And I'm pretty happy about it because this policy is in the favor of learners and the youngsters. Now, I want to share two important points, one positive, one negative about this policy, which is relevant to the youth. Now, before I start with the first point, check out this video. Oh, Shaitan Rancho, ab bhi tumhare dimag se khel raha hai? Mujhe nahi samajh aati engineering. Ban bhi gaya na to bahut kharab engineer banunga, abba. Rancho bahut simple si baat kehta hai. Jo kaam mein maza hai, usse apna profession banao. Phir kaam kaam nahi, khel lagega. Arre, kamaoge kitna us jungle mein? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पांच साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया, अब ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द न्यू पॉलिसी हैज कम अप विद नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या है? नाउ दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल थिंग कॉल्ड MEME, मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल एग्जिट्स। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू नो कि आप अगर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आज एडमिशन लेते हैं और अगर किसी भी कारण से आपको वो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है तो आपका जो आपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं होगा। यू विल हैव द क्रेडिट्स विथ यू विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम और यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू विद द सेम प्रोग्राम। आई विल गिव यू एग्जांपल कि आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था बट किसी कारण से पीयर प्रेशर या पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में आपको पता चलता है कि फिजिक्स का कोई एक कोर्स है जो कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है और आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। पहले आप ये कोर्स करने नहीं जा सकते थे बिकॉज आप ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे हैं, वो है इंजीनियरिंग। बट अभी विद द न्यू पॉलिसी ऐसा नहीं होगा। यूनिट खत्म करके आप एक सबैटिकल ले सकते हो, मे बी आफ्टर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, एंड यू कैन गो एंड एक्चुअली डू द कोर्स यू एवर वॉन्टेड। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन में, मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, स्टूडेंट्स विल हैव अ हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन वॉट दे वॉन्ट टू डू। दे कैन एक्चुअली चूज द पाथ दे वॉन्ट, दे कैन एक्चुअली चूज द कॉम्बिनेशन दे हैव, दे कैन एक्चुअली लुक एट द ट्रैजेक्टरी, दे कैन एक्चुअली क्रिएट द ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर करियर एंड दे कैन ग्रेजुअली क्रिएट द लाइफ दे वॉन्ट टू लिव। पॉइंट नंबर टू, एक जनरेशन पहले हमारे पास करियर के कुछ ही ऑप्शन थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ। इसके अलावा शायद हमने कुछ सुना भी नहीं था। आज बहुत सारे ऑप्शंस है और आने वाले समय में तो हजारों ऑप्शंस होंगे। नाउ जब ऑप्शंस बढ़ रहे हैं तो और एक चीज़ की दिक्कत होगी, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। नए पॉलिसी के हिसाब से आप कोई भी स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेते हो, यू विल स्टिल गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें आप आपके इंटरेस्ट और टैलेंट के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ ओन सिस्टम फॉर यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब हमारे पास चार ऑप्शन थे तो हम उसमें से एक चूज कर रहे थे। जब हमारे पास आज 400 ऑप्शंस आएंगे तो हाउ वी विल चूज? द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जब हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी तो डिफिकल्ट होती जाती है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर द अपकमिंग यूथ, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट इज राइट फॉर यू। यू कैन नॉट जस्ट ट्राई एंड टेस्ट एवरीथिंग, राइट? लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन दिस। इफ यू नो हु यू आर, इफ यू नो व्हाट यू वांट, एंड इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू क्रिएट फॉर यू, दैट विल रियली हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजन टुडे। I mean to say, with a normal education, self-education is going to be very, very, very important. If you are not educating self about self, you won't be able to do or take a right decision for yourself. Now, what is self-education? Self-education is nothing but understanding your nature, understanding your emotion, your behavior towards everything around you. Now, if you know yourself, and if you know what you want,
यू विल पिक द राइट टॉपिक एंड राइट करियर फॉर यू. नाउ इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट हु यू आर एंड वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, प्रोबेबली यू विल ट्राई एंड टेस्ट. बट देन वाई नॉट टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. सेल्फ एजुकेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प यू टू टेक डिसीजन. कुछ जनरेशन पहले हम लोगों को पूछा करते थे कि आपने साइंस लिया कैसा एक्सपीरियंस था, आप डॉक्टर है आप मुझे बताइए कैसे होता है, आप लॉयर है आप मुझे बताइए. बट भाई साहब आज आपको लिटरली हेल्प करने के लिए कोई एक इंसान भी नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज 400 ऑप्शंस है और पता नहीं किसने क्या क्या किया है. आप किसके पास जाके पूछेंगे? नो इट्स नॉट पॉसिबल. शायद आप जो फील्ड चूज करने वाले हो शायद उस दुनिया में शायद किसी ने नहीं की. It's possible. So it is going to be, you have to take your decision. You cannot rely on people and their experience about things. Because world is changing very fast. And you have to upgrade yourself that way so that you can take a decision. So my dear friends, do not forget self-education. Invest your time and energy in same. Also, learn the life skills. The most important life skill for you right now is take your own decisions. If you want more updates about youth, their career and lives, do follow me on my Instagram and on my Facebook account. I will be sharing so many interesting things there.